JNU भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक मानी जाती है। इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, लेकिन क्या आप ये मज़ेदार और हैरान करने वाली बातें JNU के बारे में जानते हो? अगर नहीं तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। JNU कैंपस लगभग 1100 एकड़ में फैला हुआ है और सुविधा के नज़रिए से सभी प्रकार की सुविधाओं से लैस है। JNU में कुल मिलाकर 18 हॉस्टल है, जिसमें से 8 लड़कों के लिए जबकि 4 लड़कियों के लिए है। इसके अलावा 4 लड़के लड़की दोनों के लिए हैं, तो वहीं एक विवाहित जोड़े के लिए। यही नहीं, एक हॉस्टल वर्किंग वुमेन के लिए भी है। JNU में मेस का मासिक किराया लगभग 850 रुपये है। सिंगल सीटेड के रूम की फीस यहाँ 240 रुपये, तो वहीं 120 रुपये डबल सीटेड रूम के लिए है। JNU की लाइब्रेरी काफ़ी लंबी और चौड़ी है, इसमें 9 मंजिले हैं। लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि इसमें आराम से सभी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं और इसमें हर तरह की बुक मिलती है। JNU के अंदर पढ़ाई के मामले में 12 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होता है, जिससे सभी स्टूडेंट्स पर बराबर ध्यान रखने में आसानी होती है। JNU सिर्फ टॉप की यूनिवर्सिटी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी के तौर पर भी जानी जाती है जहाँ की फीस काफ़ी कम है। एक स्टूडेंट के तौर पर आप यहां मात्र 425 रुपये 50 पैसे देकर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन के लिए आपको 401 रुपये 50 पैसे देने होंगे, तो वही पार्ट टाइम के लिए आपको चुकाने होंगे मात्र 255 रुपये। यदि कोई छात्र SC ST फिजिकली हैंडीकैप हो तो उसे JNU के हॉस्टल में रहने के लिए कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे छात्रों को बिना फीस की परवाह किए पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि कोई छात्र कुष्ठ रोग से पीड़ित परिवार से संबंधित है तो उसकी ट्यूशन फीस फ्री है। NDA के जरिए भर्ती हुए जवानों को भी JNU डिग्री देता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेपाल के 36वें प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराय ने भी JNU से PhD की थी, जो उन्होंने 1986 में की थी। सरकार की तरफ से हर साल JNU को 244 करोड़ रुपए मिलते हैं। JNU में हर रोज़ कम से कम 3000 इस्तेमाल किए हुए कॉन्डोम मिलते हैं। इसके अलावा JNU के प्रांगण में से करीब 10000 से ज़्यादा सिगरेट और 4000 से भी ज़्यादा बीड़ी के जले टुकड़े मिलते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। साल 2012 में NAAC ने इसे 4 में से 3.9 ग्रेड दिए, जिसे अब तक दिए हुए सबसे ज़्यादा ग्रेड माना जाता है। अगर बात करें शराब की बोतलों की, तो आंकड़े कम चौंकाने वाले नहीं हैं, क्योंकि 2000 से ज़्यादा शराब की बोतलें और 3000 से ज़्यादा बियर की यहाँ कैन मिलती है। दिल्ली में जितने भी रेप होते हैं, उनमें से 50% JNU से जुड़े हुए होते हैं, जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी न किसी तरह से JNU कनेक्टेड होते हैं, जो कि हैरान कर देने वाली बात है। हर साल JNU से कम 17 रेप के मामले सामने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो JNU यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी है और पढ़ाई के लिहाज से काफ़ी अच्छी और उम्दा यूनिवर्सिटी माना गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सभी अपडेट